अगली खबर आ रही है मुरैना से, जहां कैलारस कस्बे में अंधविश्वास ने 3 बच्चों की जान ले ली। बच्चों के माता पिता यही समझते रहे कि उनके घर पर भूत प्रेत या देवीय प्रकोप है, जिससे उनके बच्चे बीमार पड़े हैं, लेकिन उनको दिमागी बुखार था। इसकी वजह से बच्चों को झटके आ रहे थे। हालांकि डॉक्टर भी अभी सही नहीं बता पा रहे हैं कि बच्चे कौन सी बीमारी से ग्रसित हुए हैं। आपको बता दें कि कैलारस कस्बे के भिलसया गांव में कल्याण यादव का परिवार रहता है। उसके 3 बच्चे अचानक बीमार पड़ गए। उन बच्चों को दिमागी बुखार था। 3 बच्चों में 2 लड़कियां 3 वर्ष की, सुमन 6 वर्ष की, राधिका 17 माह की, नवजात बेटा विपिन एक एक करके बीमार हुए थे। परिवार के 3 बच्चों की मौत हो जाने से घर भी खाली हो गया है। कल्याण यादव की सबसे छोटी बेटी सुमन रात को बीमार हुई और उसे झटके आने लगे, जिससे घर वाले समझे कि कोई देवीय प्रकोप है या भूत प्रेत का साया है। वह झाड़ फूंक करने वाले को बुला लाए और झाड़ फूंक कराए, लेकिन वह सही नहीं हुई। बाद में परिजनों के कहने पर उसे कैलारस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जब वह वहां भी सही नहीं हुई तो ग्वालियर स्थित कमला राजा हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद 19 दिसंबर को कल्याण की बड़ी बेटी राधिका, जिसकी उम्र 6 वर्ष थी, वह भी बीमार हो गई। उसके भी सिर में सूजन थी और झटके आ रहे थे। उसको भी ग्वालियर के आरएच में भर्ती कराया गया, जहां उसकी भी मौत हो गई। उसके बाद ठीक 2 दिन 21 दिसंबर को उसका 17 माह का नवजात बेटा विपिन, जो कि मां की गोद में रहता था, वह भी इसी बीमारी से पीड़ित हुआ और उसकी मौत हो गई। घर में लगातार 3 मौतों के बाद कल्याण यादव का मानना है कि उसके घर पर भूत प्रेत का साया है। कल्याण यादव के बच्चों की मौत किस वजह से हुई, यह कहना अभी मुश्किल है। बीमारी का पता लगा रहे हैं। संभवतः दिमागी बुखार था, जो कि समय बढ़ने के साथ बढ़ गया होगा। पीड़ित ने बताया कि अब उसकी माँ की बारी है, तो उसे बहुत समझाया कि भूत प्रेत का प्रकोप नहीं है, यह तुम्हारी दिमागी वहम है। यादव परिवार की 3 बच्चियां थी, जो कि विगत 2 दिन में एक्सपायर हो गई हैं। अच्छा। लगभग सिम्टम उनमें एक ही जैसे थे। अच्छा। 2 बच्ची तो घर पे ही एक्सपायर हो गई हैं। एक केलारस में आके एक्सपायर हुई, एक ग्वालियर में जाके एक्सपायर हुई है। अच्छा। उनको क्या है, झटके आने की शिकायत थी। ग्वालियर से प्रोविजनल डायग्नोसिस मेडिकल कॉलेज से बताया गया, तो वायरल इंसेफेलाइटिस बताया गया है, और लगभग लक्षण भी इसी तरह के प्रतीत होते हैं। आज मैं और मेरी टीम ने जाके गांव में निरीक्षण किया, तो कोई और दूसरे केस नहीं मिले। अच्छा। इस तरह के उसके घर में 2 और बच्चे थे, पर उनने दूसरे बच्चों को अपने रिश्तेदारों के यहाँ शिफ्ट कर दिया है। गांव में ये भूत प्रेत और इस करें गाँव वालों को समझाई दी, उसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज कराने के लिए राजी हुए। अच्छा, यही है कि वायरल बीमारी हुई होगी, जिसके कारण ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा, उसके कारण उसको झटके आए होंगे, और झटके आने की वजह से स्प्रेड कर गई होगी, उस वजह से डेथ होना संभव है।